एलएसी पर पीछे हटी चीनी सेना। अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री के बीच में बनी सहमति। भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने की कोशिश हो रही है। एलएसी पर इसका असर दिखना शुरू हो गया है और चीनी सेना गलवान घाटी से 1-2 किलोमीटर पीछे हटी है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रविवार को चीनी विदेश मंत्री वांग यी से बात की थी, जिसके बाद दोनों देशों के बीच ये सहमति बन पाई है। वांग यी ही चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार भी है। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच लंबे वक्त से सीमा विवाद चल रहा है। इसे सुलझाने के लिए दोनों देशों की ओर से प्रतिनिधि तय किए गए हैं। भारत की ओर से अजीत डोभाल ही स्थायी प्रतिनिधि है। अजीत डोभाल ने अपने समकक्ष से बॉर्डर पर शांति स्थापित करने को लेकर बात की और आगे साथ में काम करने पर मंथन किया। दोनों के बीच इस बात पर सहमति बनी है कि भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं ना हो। इसके अलावा बॉर्डर पर फेस वाइज सेना के पीछे हटने पर भी सहमति बनी है। साथ ही दोनों पक्ष लगातार बॉर्डर को लेकर जो विवाद जारी है उस पर बातचीत चलती रहेगी। इसी बातचीत के बाद दोनों देशों के बीच बॉर्डर पर तनाव कम करने को लेकर मंजूरी बनी। बता दें कि सोमवार को ही ये बात सामने आई कि चीन की सेना ने गलवान घाटी से अपने टेंट समेटने शुरू कर दिए हैं और करीब 1-2 किलोमीटर तक पीछे हट गई है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर पर मई से ही तनाव की स्थिति बनी हुई है। 30 जून को दोनों देशों के सैन्य अफसरों में जो बात तय हुई थी उसी आधार पर अब सेना पीछे हटी है। चीनी सेना ने अपने टेंट, सामान और सैनिकों को 2 किलोमीटर तक पीछे कर लिया है। हालांकि अभी 72 घंटे का वक्त वेरिफिकेशन के लिए तय किया गया है। इस बीच एक बफर जोन बना दिया गया है ताकि किसी तरह की झड़प न हो।